ओके गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन टू सेवेंटी ऑफ चैप्टर नंबर थर्टी टू एस सी वी टू एज आई टोल्ड यू फर्स्ट यू ट्राई ईच क्वेश्चन ट्वाइस एंड देन यू सी द दल्यूशन यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन देखते हैं कैपेसिटर सी एंड रेजिस्टेंस आर है ई एम एफ ई दिया है और कनेक्टेड इन सीरीज एट टी इज इक्वल टू जीरो वट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सो एंड ठीक है टी जीगो टू जीरो आर कनेक्टेड इन सीरीज एड टी जीरो टू जीरो ये बोला है एंड सेक क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैगजिम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस वी मैक्स इजीको डू आई इंटू आर आर इर इंटू आर ठीक है तो ई तो मैक्मम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस रेजिस्टेंस ई होता है इनिशियली बाद में धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है सेकेंड पार्ट इज द करंट इन द सर्किट मैक्सिमम करंट है ना मैक्सिमम ऊपर लिखा है तो ईवाई e आर वो इनिशियली रहेगा ठीक है देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वो भी मैक्सिमम पूछा है जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो इसमें तो ड्रॉप होगा नहीं पूरा का पूरा कैपेसिटेंस को मिलता है ठीक है e ई रहेगा डी पार्ट देखते द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर वो भी मैक्सिमम ही पूछा था मैक्सिमम इतनी होगी फुल्ली चार्ज होने के बाद है ना पहले ही पूछा हुआ है मैक्सिमम है ना देन नेक्स्ट पार्ट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी अगेन मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इनिशियली पी जी वी स्क्वायर बाई आर होता है वी कितना ई है तो ई स्क्वायर बाई आर एंड पावर कन्वर्टेन टू हीट मैगजिमम पावर है ना ई स्क्वायर बाई आर इतनी कन्वर्ट होगी हीट में एवरेज नहीं है मैक्सिमम है ये तो दिपेन मैक्सिमम इनिशियली ठीक है इनिशियली ये अपन होगा बाद में कम होता जाएगा मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पेट कैपेसिटर दिया है उसका एरिया दिया है सेपरेशन दिया है रेजिस्टेंस दिया हुआ है फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट टाइम कॉन्स्टेंट इज सी इंटू आर सी कितना होगा एफ नॉट ए बाई डी इंटू आर तो सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है इतना आएगा ऑल द वैल्यूज आर गिवन सिक्सटी थर्ड देखेंगे कैपेसिटर इतने टेन माइक्रोफेलेट का है बैटरी टू वोल्ट की है एंड इट इज फाउंड दैट इट टेक्स फिफ्टी मिली सेकेंड फॉर द चार्ज इतना फाइंड द रेजिटेंस ऑफ द सर्किट Hmm. तो सी है इतना टेन बाइर माइनस फाइव फाइव हो जाएगा V2 है ठीक है तो ये फार्मूला होता है चार्जिंग आप कैपेसिटर में क्यू दिखा क्यू नॉट वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ तो क्यू दिया है क्यू नॉट इनिशियल दिया है क्यू नॉट इज सी इन टू वी सॉरी इस, इस फार्मूला से निकालेंगे और टी दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने लास्ट में देखो यहाँ पर ये आ गया सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू पुट की आर निकालना है सी की वैल्यू पुट की कंडीशन जो थी वो पुट करने के बाद टी के लिए सॉल्व किया और फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर दिया इतना चार्ज कितने टाइम में हो जाएगा ये पीक चार्ज होता है सी इंटू वीट सिक्सटी फोर में देखेंगे कि एक कैपेसिटर दिया है इतना सिक्स वोल्ट की बैटरी दी है रेजिस्टेंस का हंड्रेड ओम दिया है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर टू मिली सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन सरमेंट तो चार्ज ग्रोथ का पर चार्ज ग्रोथ का फार्मूला लगाएंगे क्यू इज़ क्यू नॉट इज सी इन टू वी तभी हमें चार्ज निकालना है सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूले में टाइम टाइम की इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ टाइम तो ये आता है ई टू द पावर माइनस वन विच वैल्यू होती है ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन होती है बिकॉज ई ये वन बाई ई हो जाएगा वन बाई ई मीन्स वन बाई टू पॉइंट सेवन वन को टू पॉइंट सेवन से डिवाइड करते इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन आता है बस अभी वैल्यू सॉल्व करके वी कैन जस्ट फाइंड आउट द थिंग्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सिक्सटी फाइव इसमें कैपेसिटर दिया हुआ है चार्ज दिया है और आर ज्वाइन टुगेदर विद द वायर दिस मच टेन ओम एटी गोट जीरो तो डिस्चार्जिंग का केस होगा कैपेसिटर को हमने जैसे ज्वाइन किया चार्ज कैपेसिटर को हमने वायर से ज्वाइन किया ठीक है इट वज़ द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ठीक है तो फाइनल चार्जिंग द कैपेसिटर एट टी जीडो जीरो तो टी पर इनिशियली जो चार्ज रहता है क्यू नाट दिया वही रहेगा सिक्सटी माइक्रो कूलम बाद में धीरे धीरे कम होगा डिस्चार्जिंग का फार्मूला ये लगाया सेकेंड पार्ट में टी थर्टी माइक्रो सेकेंड पर कितना होगा डिस्चार्जिंग तो का फार्मूला लगाया वैल्यूज पुट की इसमें क्यू नाट की वैल्यू ये पुट कर दी टी की वैल्यू थर्टी माइक्रो सेकेंड आर सी की वैल्यू आर सी हमने निकाला कि आर कितना है टेन और सी इतना है टेंट दावर माइनस फोर बचेगा ये सॉल्व होने के बाद इतना रहा ई रेस्ट टू पावर माइनस ज़ीरो पॉइंट थ्री और आगे ये है तो ई रेस्ट टू पावर माइनस जीरो पॉइंट थ्री की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन फाइव होती है। नहीं जीरो पॉइंट सेवन फोर है तो देखो कैसे निकलते लॉग टेबल से निकलना पड़ेगा सपोज़ हमने ई को वाई मान लिया ये दोनों तरफ लॉग ले लिया ठीक है इधर ये तो बेस ई का लॉग लेना पड़ेगा तो लॉग ई इधर का वन हो गया माइनस जीरो पॉइंट थ्री आगे आ गया बेस टेन में कन्वर्ट करेंगे टू पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करके और टू पॉइंट थ्री को नीचे भेज दिया हमने ज़ीरो पॉइंट थ्री के नीचे तो ये इतना आ गया सी तो इसको हमने नीचे भेजा डिवाइड किया तो जीरो पॉइंट वन थ्री ज़ीरो फोर आ गया माइनस है तो इसमें माइनस वन प्लस वन लिखा और ये टर्म ऐसे लिखा तो ये माइनस वन को ऐसे लिखा जाता है वन की पावर ऐसे इस वन में से ये सबटेक्ट हो जाएगा तो इतना बचेगा जीरो पॉइंट एट सिक्स अभी हमें जीरो पॉइंट एट सिक्स नाइन फाइव का देखना है एंटी एंटीलॉक तो ये हमने कॉमन एंटी लॉक की टेबल का कॉपी किया है यहाँ पर देखो जीरो पॉइंट एट सिक्स यहाँ पर देखो ध्यान से फर्स्ट वाली लाइन जो है ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स की है ठीक है तो उसके नाइन्थ कॉलम में देखना है ये नाइन्थ कॉलम है ज़ीरो से स्टार्ट होते कॉलम तो नाइन्थ कॉलम में कितना है सेवन थ्री नाइन सिक्स और फाइव भी है मीन डिफरेंस फाइव पे कितना है एट तो एट इसमें ऐड करना पड़ता है प्लस तो जीरो पॉइंट सेवन फोर ज़ीरो फोर आ गया ठीक है तो इसकी वैल्यू आ, इतनी आ गई अभी इसकी वैल्यू हमने ये लिख ली इतनी इनटू ये जो आगे होता है वो टेन टू दावर में प्लस हो जाता है तो माइनस वन ऑलरेडी है प्लस वन सपोज यहाँ कि टू होता है तो टेन पावर टू प्लस वन थ्री हो जाता है टेन टू पावर टेन होता है सॉरी यहाँ पे टेन होता है ऐसा तो टेन टू दी पावर इलेवन हो जाता है तो माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन करना है उसको तो ये टेन टू दावर ज़ीरो हो गया तो ये पूरा वन ही हो जाएगा तो ये एज इज रहने वाला है ठीक है तो लॉक टेबल का एक बार देख लो ई टू जब माइनस जीरो पॉइंट थ्री चाहिए था दोनों तरफ लॉग लिया ये पावर आगे आ जाती है लॉग ई वन हो जाता है तो ये पॉइंट थ्री कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया टू तो पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करके उसको नीचे भेजा तो इतना आया माइनस में है तो इसलिए इसमें प्लस माइनस करना पड़ता है तो माइनस वन प्लस वन किया बैलेंस है और ये तो माइनस वन को माइनस वन बार लिखते हैं उसमें से सप्रेक्ट करके इतना आ जाता है तो वन में से इतना सप्रेक्ट हुआ इतना आ गया ठीक है तो उसके बाद सॉरी ठीक है उसके बाद अभी एंटी लॉक में गए पॉइंट एट सिक्स का नाइन्थ कॉलम में देखना पड़ता है ये तो ये नोट कर लिया सेवन थ्री नाइन सिक्स और मेन डिफरेंस पाँच में देखना पड़ता है आठ तो इतना आ गया ज़ीरो पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू तो दी पावर ये जो डिजिट होती है टेंट दी पावर में जाती है और प्लस वन होती है तो माइनस बन गई प्लस तो ये वन ही हो गया फिर तो एज इट इज़ तो ये वैल्यू आ गई हमने यहाँ पुट कर दी पॉइंट सेवन फोर तो ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ ये आ गया फोटी फोर पॉइंट फोर माइक्रोकोलाम सेकेंड पार्ट देखेंगे टी इज वन ट्वेंटी मतलब ये इसका फोर टाइम्स है तो इसको फोर टाइम्स कर देंगे ये वैल्यू आई थी ना इसको पावर फोर कर देंगे इतना आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई ओके एटीन आ जाएगा डी वन मिली सेकेंड फिर से वो वाली वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी वन मिली सेकेंड पुट किया टेंट इज माइनस टेन हुआ इसका फिर हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं टेन आगे आ गया जाएगा है ना तो फिर से सेम वे लॉग टेबल से निकाल के पुट करना है देर इज नो अदर वे टू तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो, जीरो, जीरो थ्री ट तो दैट इज आव डन नेक्स्ट पे चलेंगे 66 कैपेसिटर दिया है टेन एट माइक्रोफैलेट का बैटरी के साथ कनेक्ट किया है उसको रेजिस्टेंस इतना दिया है फाइंड द करंट इन द सर्किट जस्ट इनिशियल करंट वी बाई आर होता है इनिशियल 6 अपॉन 24 0.25 वन टाइम कॉन्स्टेंट के बाद चार्ज की इक्वेशन लिखी डिफ्रेंशिएट किया करंट की इक्वेशन मिल गई करंट की इक्वेशन मिल गई टाव आगे भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आर सी तो वैल्यू पुट कर दी आर सी 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 कैंसिल हो गया वी बाई आर और इधर वन बाई ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन होता है वैल्यू पुट कर दी ज़ीरो पॉइंट जीरो एट आ जाएगा ठीक है चार्ज इक्वेशन लिखी डिफ्रेंशिएट किया टाव की वैल्यू आर सी पुट की सब सबकी वैल्यू पुट कर दी वन बाई ए की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री सेवन होती है ठीक है सिम्प्लीफाई किया जीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्सटी सेवन में चलते हैं पैल प्लेट कैपेसिटर एरिया दिया है सेप्रेशन दिया है वोल्टेज दिया है रजिस्टेंस की वैल्यू दी है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है टेन टू दावर नाइन आई मीन टेन नैनो सेकेंड में तो कैपेसिटेंस निकाल लिया पहले इतना आ गया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडेट का फार्मूला लिखा है है ना और V इज इक्ल टू क्यू बाई सी होता है Q की वैल्यू पुट की इसमें सी सी और क्यू नॉट इज़ इक्वल टू सी इन वी ये कैंसिल हो गया वी बाई डी बचाए ये आ गया अब इसमें वैल्यू पुट की टाइम की और आर सी की वैल्यू पुट करने के बाद ये इतना आएगा जीरो पॉइंट इट इज़ बार माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव फिर से लॉक टेबल जो है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव में एक्सप्लेन किया गया यूज़ करके ये आ जाएगा और उसकी वैल्यूज सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक इसकी ओल्ड बुक्स में माइनस फोर दिया है विच इज विच शुड बी प्लस फोर करेक्शन कर लेना सिक्सटी एट पे चलते हैं ठीक है ना ये इसमें कैपेसिटेंस निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा वी इज इक्वल टू Q बाई सी लिखा बस उसके बाद आगे वैल्यूज़ पुट करनी है और Q की वैल्यू Q नॉट और Q नॉट इज सी इन टू वी लिखना पड़ता है देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज 68 एट प्लेट प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया है सेपरेशन दिया है डायलेटिक कांस्टेंट दिया है एंड दिस कैपेसिटर इज ज्वाइन टू द बैटरी सिक्स वोल्ट एंड स्टेंस दिया हुआ है और फाइंड द एनर्जी 8.9 माइक्रो सेकंड के बाद निकालनी है तो ए लिख लिया डी लिखा के लिखा और वी दिया है आर दिया है एनर्जी निकालनी है टाइम ये है पहले कैपेसिटेंस निकाल लिया के एफ्स वन नॉट ए बाई डी इतना आ गया एनर्जी का फार्मूला लिखा क्यू स्क्वायर बाई टू सी और क्यू जो है क्यू नॉट uh, के टाइम में ये रिलेशन होता है और क्यू नॉट सी इंटू वी होता है एक सी कैंसिल हो गया ये वैल्यूज़ बची है ना सारी वैल्यूज़ पुट करना है और स्क्वायर भी है यहाँ पे स्क्वायर मिस नहीं करना देखो मिस हो गया स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे लिखता है बाद में लिखा था मैंने पहले मिस हुआ था ये वैल्यू सब पुट करने के बाद इतना आता है ठीक है अगेन ए डी के वी आर सब दिया है एनर्जी निकालनी है पर्टिकुलर टाइम पर सी निकाल लिया पहले फिर एनर्जी का क्यू स्क्वायर बाई टू सी पुट किया क्यू की वैल्यू पुट की चार्ज ग्रोथ की और ये मैक्सिमम uh, चार्ज की वैल्यू सी इंटू वी होती है वो पुट कर दी और एक सी चला गया बाकी सब जो है कांस्टेंट सा, सारे वैल्यूज दिए पुट करने के बाद 6.3 पॉइंट थ्री ए नॉट जूल आ जाएगा एंक्सट्राम जूल आ जाएगा टेन पाइनस टेन को एंक्सटॉम भी बोलते हैं सिक्सटी नाइन दिया हुआ है उसका वोल्टेज दिया है और रजिस्टेंस दिया हुआ है ग्राफ डा करना है करंट का चार्ज ग्रोथ एंड करंट चार्ज ग्रोथ का क्वेश्चन लिखा डिफ्रेंशिएट किया तो करंट की क्वेश्चन ये आती है एक्सपोनेंशियल ऐसा है ना एक्सपोनेंशियल देखिए होता है तो ऐसे ग्राफ आएगा इनिशियल वैल्यू निकाल सकते कितना है करंट वो यहाँ पे फिल कर लेना कि कितनी वैल्यू आ रही अदरवाइज ग्राफ पूछा तो ऐसा और चार्ज ग्रोथ का इसका मिरर इमेज होती धीरे धीरे ग्रो करके ऐसा जाता है टाइप का है ना तो रेडियो एक्टिविटी जैसा सिमिलर टू द रेडियो डिके एंड ऐसा होता है रेडियो एक्टिव डीके का और ठीक है तो इस तरह okay. से होगा करंट डी एंड रेडियो एक्टिव डीके का सेम है नेक्स्ट पे चलते हैं सेवेंटी हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट टावर निकालना है नंबर ऑफ टावर निकालना है बिफोर द करंट इन चार्जिंग करंट इन ए चार्जिंग आर सी सर्किट ड्रॉप टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का करंट आधा हो जाता है करंट की इक्वेशन लिखी और आधा कर दिया है न करंट इन चार्जिंग सर्किट है तो करंट को आधा किया आई नॉट बाय टू ठीक है तो टू टू तो दावर माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ पर ये एल सी एम लेंगे या फिर हाँ ठीक है लॉग लेंगे नॉट एल सी एम दोनों तरफ लॉग लिया तो एल एन टू और ये लॉग ही वन हो जाएगा पावर आगे आ गई तो बस एल एन टू की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री होती ऑफ टाइम तो दीज में तो आंसर हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इतनी टाइम को एक्ट्राइन है हाँ। ऑफ टाओ है तो इतना ओके सेकंड केस में क्या है चार्ज ग्रोथ का पूछा है नहीं आ, एक मिनट जस्ट हाउ मेनी टाइम लेफ्ट बिफोर द करंट इन चार्जिंग सर्किट ड्रॉप टू हाफिलो आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर डिस्चार्जिंग ओके डिस्चार्जिंग में चार्ज डिके ऐसे होता है सिमिलर रिलेशन है बस वहाँ पर आय है यहाँ पर क्यों है तो इसमें फिर से वही आय की क्वेश्चन आ गई इट एज़ कम सेम ये वाली देखो तो इसलिए सेम आंसर अगेन 0 0.69. Alright, thank you very much. We will continue with the remaining 14 questions of this chapter in the next lecture. Okay, all the best. Keep working hard. Thank you.